बहुत ही एक सुंदर पोइम है, बहुत अच्छी पोइम है। चलिए लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि जो पोएट है वो कौन है और उन्होंने ये पोइम लिखी क्यों है, ठीक है? तो उससे क्या होता है, थोड़ा हमें आइडिया लगता है, रट्टा आपको कम मारना पड़ेगा, आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी। तो ये पोएट का नाम है थॉमस हार्डी, ठीक है? ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और जनरली इनको नॉन कन्फर्मिस्ट बोला जाता है। नॉन कन्फर्मिस्ट वो होता है जो जनरली जो चीज़ें चल रही होती हैं सोसाइटी में उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, ठीक है? ये जब पैदा हुए थे इंग्लैंड में तो उस टाइम पे चल रहा था विक्टोरियन एरा। तो विक्टोरियन एरा इस टाइम पीरियड की बात होती है, ठीक है? क्वीन विक्टोरिया का टाइम पीरियड था ये। तो ये 1837 से लेके 1900 के आसपास तक का टाइम पीरियड है विक्टोरियन एरा। तो उसी ड्यूरेशन में पैदा हुए थे और पहले ये नॉवलिस्ट थे, नॉवल्स लिखते थे। फिर बाद में इन्होंने पोइम्स लिखना स्टार्ट किया था। अपनी ये वाइफ से काफ़ी प्यार करते थे, इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी तो वाइफ के ऊपर इन्होंने फिर बाद में काफ़ी पोइम्स लिखी थी, डेथ पोइम्स बोला जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इनके बारे में, मरने के बाद बॉडी तो इनकी अलग जगह क्रिमेट की गई थी, बट इन्होंने बोला था कि जो मेरा हार्ट है, जो मेरा दिल है, वो मेरी जो वाइफ है उनके बगल में ही दफनाया जाए। क्रिश्चियन थे तो उसमें दफनाया जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से थोड़ा मैंने आपको आइडिया दिया। अब बात ये उठती है कि इन्होंने ये पोइम लिखी क्यों है, डार्कलिंग थ्रश। देखो, अब इंग्लैंड में इस टाइम ड्यूरेशन में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी थी, बड़ी बड़ी मशीनें, इंडस्ट्रीज, ठीक है? तो ये टाइम पीरियड इंग्लैंड का ऐसा था। तो लोग गाँव जो होता है, ठीक है, तो इंग्लिश में बहुत हद तक गाँव में, जैसे इंग्लैंड में गाँव को कंट्री साइड भी बोला जाता है, ठीक है? लेकिन ये जो गांव जो इनके होते हैं, इनको वैसे गांव मत समझिएगा, ये बहुत खूबसूरत गांव होते हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत, नेचुरल ब्यूटी बहुत होती है इन गांव में। तो लोग धीमे धीमे कंट्री साइड को छोड़ के सिटीज़ में आते जा रहे थे, मशीन्स का एरा था, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी सेटअप हो रही थी, तो लोग अपना एग्रीकल्चर फार्मिंग ये चीज़ें छोड़ छोड़ के धीमे धीमे कंट्री साइड की लाइफ थी उसको छोड़ के सिटीज़ में आ रहे थे, ठीक है? और धीमे धीमे लोग, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो गया था, साइंस भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी इंग्लैंड में। ये इस टाइम पे चार्ल्स डार्विन भी आए थे, ठीक है? चार्ल्स डार्विन वो थे जिन्होंने बोला था कि जो इंसान है, इंसान को भगवान ने नहीं बनाया है, इंसान का एवोल्यूशन हुआ है नेचुरल सिलेक्शन के वे में, ठीक है? तो एक तरीके से जो चार्ल्स डार्विन थे वो कहते हैं कि जो भगवान है उसने इंसान को बनाया नहीं है, वो उसका एक अपना इंसान एवोल्यूशन के तरीके से इवॉल्व हुआ है, दुनिया में आया है। तो धीमे धीमे चार्ल्स डार्विन की वजह से और साइंस की वजह से इस टाइम पीरियड पे लोगों का जो फेथ है ना भगवान पे से हट रहा था, रिलीजन और गॉड को लोग भूलते जा रहे थे। तो जब ये एरा ख़त्म हुआ, ठीक है, 19th सेंचुरी का एंड हुआ, एक तरीके से बोलूँ जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ, यहाँ तक आते आते बहुत चेंजेस आ गए थे इंग्लैंड में। लोग गाँव से निकल के सिटीज़ में आते जा रहे थे, एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, लोगों ने एनवायरनमेंट को, नेचर को थोड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया था, पेड़ कट रहे थे और लोगों का जो बिलीफ है रिलीजन पे और गॉड पे ख़त्म होता जा रहा था। तो इन्होंने ये जो पोइम लिखी है, क्योंकि थॉमस हार्डी ने जब ये पोइम लिखी थी, ये इनकी अराउंड एज थी 60 के आसपास, 60 साल से ऊपर हो चुके थे और ये भगवान को और गॉड को, रिलीजन को बहुत मानते थे, ठीक है? तो ये इस चीज़ से खुश नहीं थे। 19th सेंचुरी में जो जो चीज़ें हुई थी ना, कि इंसान एक तरीके से सिर्फ बिल्कुल रैशनल हो गया था, भगवान को उसने मानना छोड़ दिया था, रिलीजन पे बिलीफ हट गया था इंसान का, और लोग गांव को छोड़ छोड़ के जा रहे थे, नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो इनका इन सब चीज़ों पे ना, मतलब ये थोड़ा सा इन चीज़ों से क्या हुआ, डिसअपॉइंट हो गए थे। ये कहते हैं ये दुनिया जिस तरफ जा रही है ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो इसलिए फिर इन्होंने ये पोइम लिखी है, ठीक है? ये जो पोइम है ये इसी के ऊपर है, डार्कलिंग थ्रश, ठीक है? अब थोड़ा सा मैं इसका मीनिंग पहले नाम देख लेते हैं, डार्कलिंग थ्रश है क्या। ये जो डार्कलिंग थ्रश है, डार्कलिंग का मतलब होता है एक तरीके से डार्कनेस, ठीक है? तो ये पोएम जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो डार्कलिंग का मतलब है, एक तरफ तो ये बता रहे हैं कि बड़ी दुनिया में डार्कनेस है, अब होप खत्म हो चुकी है, जो दुनिया है वो आगे जाके सब खराब तरीके, मतलब जो होप नहीं है आगे आगे जो जो दुनिया है वो अंधकार में जा रही है, अंधेरे में जा रही है। फिर थ्रश क्या है, थ्रश एक चिड़िया है, ये इस ऐसे समझ लो, ठीक है? एक बर्ड होती है जो होप को सिग्निफाई करती है, जो कहती है कि सब कुछ डार्कनेस नहीं है, होप भी है, दुनिया में अभी होप है, कुछ अच्छा हो सकता है। तो पोएम दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में इन्होंने बहुत डार्कनेस के बारे में बात करा है कि दुनिया 19th सेंचुरी के एंड में दुनिया बेकार हो गई है, सब चीज़ खराब होती जा रही है, अब कोई होप नहीं है, सब कुछ डेस्पेयर ही डेस्पेयर है। डेस्पेयर मतलब होता है कि होपलेसनेस, ठीक है? कि होप खत्म हो चुकी है, आगे डार्कनेस ही डार्कनेस है, आगे फ्यूचर नहीं है, कोई होप नहीं है, ठीक है? तो स्टार्टिंग इन्होंने करी है, जो स्टार्टिंग है
दो पार्ट्स में, जैसे मैंने बोला पोइम डिवाइडेड है। पहले पार्ट में डार्कनेस की तरफ ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि डिप्रेशन की तरफ सब कुछ, अब आगे बहुत डिप्रेसिंग होने वाला है दुनिया। फिर बाद में लास्ट में फ्री ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी होप है। ठीक है, वो जो बर्ड आएगी बाद में वो बर्ड होप को सिग्निफाई करेगी। अब हम लाइन बाय लाइन थोड़ा समझते हैं। अभी आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड क्या है। अब पोइट कह रहे हैं पहली लाइन में, आई लेंट अपॉन अ कॉपिस गेट। ठीक है, लेंट मतलब जैसे कि हम टेढ़े होके खड़े होते हैं दीवार के सहारे। ठीक है, तो हम जैसे दीवार का सहारा लेके खड़े होते हैं, बेंट हो जाते हैं, तो उसको लेंट बोलते हैं। अपॉन अ कॉपिस गेट, कॉपिस गेट मतलब वुडन गेट। ठीक है, यहाँ वुडन गेट की बात हो रही है। ठीक है, तो एक पोइट कह रहा है कि मैं ऐसी लकड़ी के दरवाजे की तरफ बेंट होके, ठीक है, मैं देखता हूँ। किसको देखता हूँ? अब ये दुनिया को देख रहे हैं उस टाइम पे, और ये कहते हैं कि बड़ी डिप्रेसिंग दुनिया है, आगे मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे लगता है कि यार आगे जो टाइम आएगा ना बड़ा बेकार है, होप नहीं है कुछ उसमें, बड़ा डिप्रेसिंग डिसअपॉइंटिंग दुनिया होने वाली है। ठीक है, तो अब ये देखो, व्हेन फ्रॉस्ट वॉज स्पेक्टर ग्रे एंड विंटर्स ड्रेग्स मेड डेसोलेट द वीकनिंग आई ऑफ डे। ठीक है, फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है, जैसे समझ लो जैसे बर्फ बर्फ पड़ती है ना, उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो मतलब ये समझ लो इनके सामने कुछ इस तरह का नजारा था। ये जो पोएट है थॉमस हार्डी, ये कुछ ऐसे एरिया पे खड़े हुए थे, तो इनको ऐसे ही दुनिया दिखाई दे रही थी। जिस ये जो पोइम लिखी है ना, तो ये इस टाइम पीरियड की पोइम है, विंटर के टाइम की पीरियड है पोइम है। इंग्लैंड में ना ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। इंग्लैंड अगर आप देखोगे तो थोड़ा पोल के पास है, नॉर्थ पोल के पास पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ ठंड काफी ज्यादा पड़ती है, बर्फ पड़ती है। ठीक है, तो बर्फ में वैसे भी लोगों को डिप्रेशन होता है। ठीक है, इसको विंटर ब्लूज बोला जाता है। ठीक है, अगर आप गूगल करोगे आपको दिखाई देगा विंटर ब्लूज। तो अगर ऐसे एरिया में अगर आपको डाल दिया जाए तो आपको डिप्रेशन नेचुरली हो जाएगा। जहाँ पे सन कम निकलता है ना, उन जगहों पे डिप्रेशन ज्यादा पाया गया, ये साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, तो अब क्या है, पोइट ऐसे एरिया पे खड़ा हुआ है, तो अब ये कहानी में वही लिख रहा है, जो जो पोइम की स्टार्टिंग है ये वही सब बता रहा है कि मतलब बर्फ बर्फ पड़ रही है, स्पेक्टर ग्रे मतलब एक तरीके से ग्लूमी ग्लूमी सा है सब कुछ। ठीक है, एंड विंटर्स ड्रैग मेड डेसोलेट द वीकनिंग आई ऑफ डे। विंटर ड्रैग्स मतलब यही सब, कि मतलब जो विंटर इतना ज्यादा पड़ रहा है, बर्फबारी इतनी ज्यादा हो रही है कि सब चीजें बहुत डेसोलेट लग, डेसोलेट मतलब होता है बिल्कुल आइसोलेशन, लोनलीनेस टाइप की। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो विंटर की ये जो बर्फ पड़ रही है और इस तरह से जो हो रहा है ना, इससे लोनलीनेस और बढ़ रही है। द वीकनिंग आई ऑफ डे, वीकनिंग आई ऑफ डे मतलब सन ढल रहा है, ये इस टाइम का टाइम पीरियड है, जब हम शाम के समय जब सूरज ढलता है ना, ट्वाइलाइट का टाइम पीरियड बोला जाता है उसको। जब शाम के समय जब सूरज ढलता है तो इस टाइप का नजारा कुछ हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वीकनिंग आई ऑफ डे मतलब ये सन को बता रहे हैं कि सन अब डूब रहा है। अब जब सन डूबता है तो एक तरीके से क्या होता है, हमारी होप भी खत्म होती है। थोड़ा ये इसको इनडायरेक्ट वे में सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक है, द टेंगल्ड बाइन स्टेम्स कोट द स्काई लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लाइट्स। अब वो कह रहे हैं कि अब बाइन स्टेम्स क्या होता है, एक ये एक तरह का श्रब है, श्रब मतलब होता है छोटा छोटा जो पेड़ होते हैं ना, छोटी झाड़ियां टाइप की। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो श्रब्स हैं, जो मतलब जैसे समझ लो ये पेड़ टाइप के जा रहे हैं, ये वो कह रहे हैं ये जो पेड़ टाइप के भी जा रहे हैं ना ऊपर, ये समझ लो, मान लो ये इसी टाइप का, ये समझ लो ये टेंगल्ड बाइंड स्टेम्स की बात कर रहे हैं, इसी टाइप के पेड़ है। तो ये जो पेड़ जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ये भी ऐसा लग रहा है जैसे कि जो ऊपर आसमान है उसको चोट पहुंचाएंगे। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स, लायर्स क्या होता है, लायर एक तरह का ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गिटार होता है, सितार होता है, ऐसे वो कह रहे हैं इसकी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं, जो आप गिटार बजाते हो गिटार की स्ट्रिंग होती है, तो ऐसी लायर है इसकी स्ट्रिंग टूट गई है। तो जब स्ट्रिंग टूट गई है, टूट चुकी है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या, एक तरीके से ना बार बार ये इसको सिग्निफाई कर रहे हैं कि आगे जो है ना बड़ा डिप्रेसिंग मूवमेंट है, अब जो दुनिया है उसमें कुछ है नहीं, बड़ा ही होपलेसनेस है, डेस्पेयर है, मुझे कुछ दिखता नहीं है, मतलब किस मीनिंग नहीं दिखता मुझे लाइफ में, मुझे लगता है मतलब क्यों मैं उठ रहा हूँ सुबह, कोई मीनिंग ही नहीं है जिंदा जिंदा रहने का। ठीक है, एंड ऑल दैट माइंड मैनकाइंड दैट हॉन्टेड नाई हैड सॉट देयर हाउस होल्ड फायर। अब वो कह रहे हैं कि जितनी भी मैनकाइंड है, ये अपने आप को मैनकाइंड से वो मतलब मैनकाइंड के बिहाफ पे बोल रहे हैं कि जितना भी इंसान है, मतलब ये जो इतनी यहाँ पे बर्फ पड़ रही है, बड़ा ही डिप्रेसिंग सा मोमेंट है, इस टाइम पे जो इंसान है वो घर बैठा हुआ है और अपने घर में आग जला रहा है, क्योंकि इतने ऐसे मौसम में कोई बाहर निकलता नहीं है, ऐसे डिप्रेसिंग मोमेंट में कोई बाहर निकलता नहीं है। तो इंसान इस टाइम पे, विंटर पड़ रही है, डिप्रेसिंग मोमेंट है, वो अपने घर में बैठ के घर में आग जला रहा है। इंग्लैंड में ना ट्रेंड होता है, लोग आग बहुत जलाते हैं लकड़ी के उससे, ठीक है, क्योंकि ठंडा रहता है वहाँ, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। फिर ये कहते हैं लैंड शार्प फीचर सीम टू बी द सेंचुरीज कॉप्स आउटलेट। वो कह रहे हैं कि अब देखो सेंचुरीज कॉप्स मतलब क्या है, मैंने बोला ना ये जो पोइम लिखी गई है ये 19th सेंचुरी के एंड में लिखी गई है। ठीक है, और ये 19th सेंचुरी में ही पैदा हुआ था पोइट थॉमस हार्डी, तो ये क्योंकि 19th सेंचुरी खत्म हो चुकी है तो ये उस पीरियड को मिस कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा
कभी भी आप बुजुर्ग लोगों से बात करोगे 70 साल के 80 साल के, तो वो अपने टाइम पीछे का टाइम पीरियड ना बहुत मिस करते हैं और उसको लेके काफी सैड होते हैं। मतलब थोड़ा उनको एक उनके आंखों में आपको एक सैडनेस दिखाई देगी जब वो अपने बचपन के बारे में बात करते हैं, जब अपनी वो यंगस्टर्स यंग टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं, एडल्ट जब वो थे 20 साल के 30 साल के, तो एक उदास हो जाते हैं उस टाइम पीरियड के बारे में बात करते करते। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो पोएट है ये बात कर रहा है ना, जब 19th सेंचुरी की, वो टाइम जब निकल गया है क्योंकि अभी 60 साल से ऊपर है जब इसने पोएम लिखी है, तो उस टाइम पीरियड को याद करते हुए थोड़ा सा ना उदास हो रहा है, ठीक है। और वो ये भी बता रहा है कि 19th सेंचुरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 19th सेंचुरी ये एक्चुअल में जो पोएम थी ना स्टार्टिंग में, इसका पोएम का नाम एंड ऑफ सेंचुरी भी था, ठीक है। स्टार्टिंग में इस पोएम का नाम ही एंड ऑफ सेंचुरी था, ये बाद में फिर चेंज हुआ, डार्कलिंग फ्रेश कर दिया गया। तो ये बोल रहे हैं कि सेंचुरी एंड हो गई है। कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, तो किसकी डेड बॉडी, इसकी 19th सेंचुरी की, ठीक है। तो एक तरीके से इसको परसोनीफाई करा है, परसोनीफाई मतलब होता है किसी डेड चीज को जिंदा चीज से कंपेयर करना। तो अभी वो सब भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो सेंचुरी कॉप्स का मतलब ये 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 19th सेंचुरी की डेड बॉडी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो 19th सेंचुरी जो थी ना, जिसमें मैं पैदा हुआ, जो मैंने जीवन जिया, वो निकल चुकी है अब, ठीक है, अब वो जा चुकी है। और इस चीज को सोच सोच के लिख लिख के वो थोड़ा सा डिप्रेस हो रहे हैं। हिज क्रेप्ट द क्लाउडी कैनोपी, द विंड हिज डेथ लैमेंट। अब वो कह रहे हैं, अब ये देखो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि डेथ हो चुकी है 19th सेंचुरी की। अब जब डेथ हुई है तो डेथ पे क्या होता है, लैमेंट होता है। लैमेंट मतलब रोना धोना होता है, जब किसी की डेथ होती है तो रोना धोना होता नहीं होता, घर वाले रिलेटिव सब रोते धोते हैं। तब कौन रो रहा है 19th सेंचुरी की डेथ पे, विंड, ठीक है। तो ये कह रहे हैं विंड जो है ना, ये डेथ लैमेंट हो रहा है। क्लाउड को भी इन्होंने करा है, क्लाउड कैनोपी, ठीक है। तो मतलब ये बता रहे हैं जो क्लाउड्स हैं, विंड हैं, ये दुखी हो रहे हैं कि 19th सेंचुरी खत्म हो गई, ठीक है। एक रोना रोना पिटना कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। डेथ लैमेंट किसके लिए कर रहे हैं, 19th सेंचुरी खत्म होने पे। द एंशियंट पल्स ऑफ जर्मन बर्थ वाज श्रंकर्ड हार्ड एंड ड्राई, ठीक है। पल्स ऑफ जर्मन बर्थ का क्या मतलब है, यहाँ पल्स मतलब सीड, यहाँ पे बात कर रहे हैं एक तरह की सीड की, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अब सीड एक्चुअल में किसको सिग्निफाई करता है, सीड सिग्निफाई करता है बर्थ को, भाई जो बीज होता है, बीज में से कोई नया पेड़ निकलता है, नहीं निकलता, तो बीज किसको सिग्निफाई करता है, एक तरीके से बर्थ को, कि भैया दोबारा बर्थ होगा, नया कुछ, नया कुछ नया निकलेगा, कुछ अच्छा निकलेगा, कुछ बर्थ होगा। तो कह रहे हैं ये जो अब जो बर्थ वाली बात है ना, कि मतलब जो सीड है जिससे कोई अच्छा दोबारा हो सकता है, कुछ नया निकल सकता है, अब मुझे होप नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं एक तरीके से क्या कहना चाह रहा है पोएट, कहना चाह रहा है कि मुझे कुछ होप नहीं है, अब कुछ रीबर्थ होगा। रीबर्थ किसका, कि कुछ खुशी वापस आएगी, मुझे लगता नहीं है खुशियां लौट के वापस आएंगी। मुझे लगता है जो आने वाला टाइम पीरियड है ना, बड़ा ही बेकार है, बहुत ही डिप्रेसिंग है, ठीक है। तो अब मुझे होप नहीं है कि कुछ अच्छा होगा, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं वो श्रंकर्ड हार्ड एंड ड्राई, ठीक है। मतलब आगे जो है बहुत ही ड्राई, ड्राई मतलब यहाँ पे सैडनेस से, कि आगे कुछ होप नहीं है, ठीक है, ग्लूमी है। ग्लूमी मतलब होता है सैडनेस। एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ सीम फरवरलेस एज आए, मतलब वो कह रहे हैं कि दुनिया में अब इस टाइम पे जितने भी और चीजें हैं वो भी मेरी तरह ही हो गई हैं। मेरी तरह मतलब जिन्हें कोई होप नहीं है आगे, फरवरलेस मतलब एक तरीके से विदाउट होप, ठीक है। तो खाली ऐसा नहीं है, वो कह रहे कि मैं ही ऐसा हूं कि जिसके पास होप नहीं है, और भी चीजें हैं जो काफी होपलेस दिखाई दे रही हैं। जैसे कि इन्होंने अभी एग्जांपल क्या दिया, जैसे ये एंशियंट पल्स ऑफ जर्मन बर्थ, फिर उन्होंने बोला क्लाउड्स भी ऐसे ही हैं, विंड भी ऐसे ही है। तो बोल रहे हैं और भी जो चीजें हैं एनवायरमेंट में, जैसे कि विंटर, विंटर का टाइम पीरियड इन्होंने बोला, ट्रीज को उन्होंने कंपेयर किया, इन्होंने फ्रॉस्ट को बोला बर्फ पड़ रही है, फिर उन्होंने विंड को बोला, क्लाउड को बोला। ये कह रहे हैं कि मेरे अलावा और भी जो चीजें हैं ना, ये भी यही सिग्निफाई कर रहे हैं कि आने वाला जो टाइम पीरियड है वो ठीक नहीं है। हर हर एक स्पिरिट के अंदर होप नहीं है, खाली मुझ में ही नहीं है, सब में ही ये कह रहे हैं कि आगे बड़ा डिप्रेसिंग सा टाइम पीरियड है। तो आप देखोगे पूरा जो हमने अभी दो स्टैंजा पढ़े हैं, यहाँ पे एक बहुत सैडनेस नजर आ रही है पोइट के अंदर। पोइट ऐसा लग रहा है कि पोइट डिप्रेस है, पोइट बहुत खुश नहीं है। पोइट को लगता है कि जो 19th सेंचुरी का जो एंड हुआ ना, जहां तक हम पहुंच गए हैं, एक तो उस टाइम पीरियड को मिस कर रहा है, और फिर वो ये कह रहा है कि आने वाला जो टाइम पीरियड है वो तो और भी खराब है, ठीक है। और वो 19th सेंचुरी में जो जो चीजें हुई हैं उससे भी खुश नहीं है। जो वो चीजें क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया, लोग गाँव छोड़ के, कंट्री साइड छोड़ के सब सिटी में आ गए, नेचुरल रिसोर्सेज को इंसान ने डिस्ट्रॉय किया। फिर साइंस की तरफ आदमी का बहुत ज्यादा वो हो गया कि सब कुछ साइंस ही है, रिलीजन और गॉड को लोगों ने बिल्कुल ही साइड में कर दिया, भूल गए लोग। तो उन चीजों से वो खुश नहीं है, नाखुश हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि आगे वाला जो टाइम पीरियड है बहुत डिप्रेसिंग है। फिर अब इतना डिप्रेशन, काफी डिप्रेशन हो गया, इन्होंने सब बोला सैडनेस के बारे में, अब थोड़ी सी होप आई, ठीक है। तो पहला पार्ट खत्म हुआ, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है पोइम का। इसमें क्या, अब होप किस चीज से आ रही है, इस बर्ड से। ये बर्ड कौन है, ये बर्ड है थ्रश,
जिसपे नाम पे डार्कलिंग थ्रश, जो पोएम का नाम है ना थ्रश, थ्रश एक बर्ड होती है, मेनली एक म्यूजिकल बर्ड है, गाने गाती है. एंड वंस अ सॉन्ग अरोज अमंग द ब्लीक ट्विग्स ओवर हेड इन अ फुल हार्टेड ओवर सॉन्ग ऑफ जॉय. अब वही कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है, एक आवाज़ आ रही है. किसकी आ रही है? एक ऐसे आवाज़ आ रही है जिस, एक सॉन्ग की आवाज़ आ रही है. वो सॉन्ग कैसा है? एक तरीके से उस सॉन्ग में पूरा हार्ट से गाया गया, दिल से गाया गया सॉन्ग है. और वो सॉन्ग जो है मुझे जॉय का वो लग रहा है. उस सॉन्ग को सुन को मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ सॉन्ग को गा रही है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉय है, जो बहुत खुश है. ठीक है, अब कौन है वो चीज़? वो एन एजेड थ्रश, फ्रेल, गॉन्ट एंड स्मॉल. ठीक है, एक ये जो इसमें थ्रश तो ये बर्ड होती है, और ये जो बर्ड है जो पोएम में पोइट देख रहा है अपने सामने, वो एजेड है, कोई यंग बर्ड नहीं है, एजेड बर्ड है. फ्रेल, ग्रॉन्ट एंड स्मॉल मतलब वीक भी है. ठीक है, फ्रेल गॉन्ट मतलब सब वीक है, वीक है, स्मॉल है. ठीक है, इन अ ब्लास्ट ब्यूटिफाइड प्ल्यूम हैड चोजन दस टू फ्लिंग हिज सोल अपॉन द ग्रूमिंग ग्रूम. अब वो कह रहे हैं, पोइट कहता है कि ये जो बर्ड है ना, ऐसे डिप्रेसिंग एनवायरमेंट में भी बहुत खुश है. ठीक है, तो वो भी हैरान हो रहा है पोइट. पोइट इस चीज़ से हैरान है कि मतलब मैं इतना दुखी हो रहा हूँ, इतना डिप्रेस हो रहा हूँ इस एनवायरमेंट को देख के, लेकिन ये एक एजेड, ठीक है, ओल्ड वीक, कौन ओल्ड वीक? ये चिड़िया, ये जो चिड़िया देख रहे हैं थ्रश. ठीक है, वो कह रहे हैं एक ओल्ड और वीक बर्ड इतना खुश कैसे है, वो इतने दिल से अपने कैसे गा रही है, और वो गाने भी ऐसे गा रही है जिससे बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ही हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, बहुत ही जॉयस दिखाई दे रही है, बहुत जॉय दिखाई दे रहा है उसके अंदर. जो पोएट का मूड था उसके बिल्कुल अपोजिट मूड है इस बर्ड का. पोएट बहुत डिप्रेस था, लेकिन बर्ड क्या थी? बर्ड बहुत खुश थी, बर्ड के अंदर बहुत जॉय था, बर्ड को लगता था कि आगे सब कुछ बढ़िया होगा. बर्ड ने पूरे एनवायरनमेंट में एक जॉय फैला दिया, एक हैप्पीनेस फैला दी, इतने ग्लूमी एनवायरनमेंट में एक आशा की किरण लेके आई थी बर्ड. ठीक है, सो लिटिल कॉज फॉर कैरोलिंग्स ऑफ सच एक्सटेटिक साउंड. कैरोलिंग्स मतलब होता है गाने एक तरीके से. ठीक है, गाने गाए जाते हैं ये, आप देखोगे चर्च में गाने गाए जाते हैं. ठीक है, ऑफ सच एक्सटेटिक साउंड वॉज रिटन ऑन टेरेस्ट्रियल थिंग्स अफार और नाई अराउंड. वो कहने की इतना अच्छा जो उसने गाना गाया है, जो ये गाने गा रही है बर्ड, ये गाने आस पास दूर दूर तक, ठीक है, अफार मतलब दूर दूर तक, और नाई मतलब अराउंड मतलब पास. ठीक है, ये उसका मतलब होता है दूर दूर तक, नाई मतलब नियर राउंड, मतलब दूर दूर तक भी और पास भी, कहीं मैंने ऐसे गाने सुने नहीं इस पूरी अर्थ पे. ठीक है, इस पूरी अर्थ पे, टेरेस्ट्रियल थिंग्स मतलब इस टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ. ठीक है, इस पूरी अर्थ पे मैंने अभी तक इतना जॉयफुल गाना नहीं सुना, मतलब इतना डिप्रेसिंग मोमेंट में, इतने खराब सैड सैड मोमेंट में कोई इतना अच्छा गाना गा सकता है, इतना खुश हो सकता है, तो बड़ी हैरानी की बात है. दैट आई कुडंट हियर द ट्रेम्बल थ्रू हिज हैप्पी गुड नाइट एयर सम ब्लेस्ड होप वेयर ऑफ ही नो एंड आई वाज अमेज्ड. वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश हुआ, मतलब इसने जो बर्ड है, इस बर्ड ने इतने सैड और डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट में, जहाँ पे एकदम रात का टाइम हो रहने वाला है और विंड की हवा भी ऐसी चल रही है, वो रात के टाइम अगर आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे बर्फ़ वाला एरिया है जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, तो आप डिप्रेस हो जाओगे, आपको भी डर लगेगा. आपने देखा होगा बहुत सारी हॉरर मूवीज़ भी ऐसी एनवायरनमेंट में बनती हैं, सर्दियों का टाइम है, बर्फ़ पड़ रही है, अंधेरा हो रहा है. ठीक है, तो वो कह रहा है कि इतना डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट, इतना सैड एनवायरनमेंट, जहाँ मुझे लग रहा है आगे कुछ होप नहीं है, वहाँ पे ये बर्ड इतना जॉयफुल गाने गा रही है, इतना खुश नज़र आ रही है, तो इससे थोड़ा सा मुझे कुछ होप मिलती है, एक होप मिलती है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए. ठीक है, एक फीलिंग ऑफ, एक जॉयफुल फीलिंग ये बर्ड लेके आती है, और एक होप की फीलिंग लेके आती है कि आगे कुछ अच्छा होगा. ठीक है, कहीं ना कहीं ये वो कहता है, ये बर्ड कुछ ऐसा हैप्पीनेस जानती है, कुछ ऐसी चीज़ जानती है जो मैं नहीं जानता. ठीक है, अब आप यहाँ पे ये ख़त्म होती है पोइम. वैसे एक बात कहता हूँ, बहुत हद तक जो एक फिलोसफिकल पोइम भी है ये. ठीक है, ये जो पोइट है ना, पोइट यहाँ पे ये दर्शा रहा है कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स है वो सैड और डिप्रेस रहते हैं, लेकिन आप देखोगे एग्जिस्टेंस में, अगर मैं नेचर की बात करूँ, ह्यूमन बींग्स ही आपको ज़्यादातर सैड और डिप्रेस मिलेंगे. एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये कभी सैड और डिप्रेस नहीं होते. ठीक है, ये खुश रहते हैं. तो यहाँ पे ये एक चीज़ नज़र आ रही है, लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है पोइट? पोइट कह रहा है कहीं ना कहीं इस बर्ड को वो चीज़ें पता जो ह्यूमंस को नहीं पता. ठीक है, कहीं ना कहीं इसको वो तरीका पता है खुश रहने का जो हम ह्यूमंस को नहीं पता. हम ह्यूमंस तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, बट ये जो प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये लाइफ को सच में जीना जानते हैं. सच में इनको पता है कि एग्जिस्टेंस का, नेचर का, मिस्ट्री का रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है. ये हमेशा एनिमल्स और प्लांट ना एक ट्यून में रहते हैं, नेचर के साथ रहते हैं, जैसा नेचर है ना उसके एक हार्मनी में रहते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस ही हैं जो बहुत दुखी और डिप्रेस रहते हैं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं इस बर्ड को वो सीक्रेट पता है हैप्पीनेस का जो मुझे नहीं पता. ठीक है, तो थोड़ा सा एक फिलोसफिकल भी है, मतलब एक डीप मीनिंग भी है इनकी लाइंस का जो यहाँ बता रहे हैं. ठीक है, तो गाइज ये था वीडियो,
इसी के साथ ही पोइम खत्म होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा, पोइम अच्छी लगी तो उसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर गाइस।